हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। तो काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि हम खाटू श्याम जाएंगे, बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने का। तो काफ़ी टाइम के बाद हमने ये प्लान करा और फाइनली हम जा रहे हैं। और हमने रास्ते में बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। तो बस ये हमारी एक्साइटमेंट है बस। तो सुबह की 5:30 बजे हम खाटू धाम पहुँचे। वहाँ पे हमने अपनी कार जो है वो पार्क, फिर उसके बाद पहुँचने के बाद हमने शावर वगैरह लिया, फिर हम दर्शन के लिए निकल गए। दर्शन के लिए निकले, रास्ते में ये सभी भक्त जा रहे थे, सबने अपने अपने हाथों में निशान लिया था। और तो अब हम ये लाइन में आ चुके हैं दर्शन के लिए। काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी लाइन थी। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि इस दिन एकादशी थी, तो इसलिए। और ये हम अभी भी लाइन में ही खड़े हैं। टाइम तो लगा था हमें, काफ़ी टाइम लगा था यहाँ पर। और ये बच्चा बहुत क्यूट था जो यहाँ पे खड़ा था। फिर हम बस इंतज़ार में थे कि बस श्याम बाबा के दर्शन हो जल्दी। अब बस श्याम बाबा के दर्शन होने ही वाले थे। बहुत ज़्यादा मेरे को तो बस लग रहा था कि मैं जल्दी से बस देख लूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ये इच्छा थी मन में कि हाँ मुझे जाना है जाना है। फाइनली ये प्लान बाबा श्याम की कृपा से बन गई। दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए सालासर बालाजी के लिए, जो कि खाटू श्याम से 2 घंटे का रास्ता है। तो हम निकले दर्शन के लिए बालाजी महाराज के। चुके हैं सालासर बालाजी महाराज के पास, और ये हम अंदर की तरफ एंटर कर रहे थे। बहुत ही लंबी लाइन थी यहाँ पर भी, बहुत ज़्यादा घूम के जाना था हमें, काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ा यहाँ पे। बहुत ही लंबी लाइन थी और हम थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना था इसमें। और हम तो हुए बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फाइनली हमने दर्शन कर लिया बालाजी के। उसके